सर, वी वर डूइंग एक्सरसाइज 7.4, क्वेश्चन नंबर सेकंड वी हैव डन, थर्ड क्वेश्चन. इन थर्ड क्वेश्चन वी हैव सपोज्ड सेंटर ऑफ द सर्कल एज एक्स वाई. सेंटर ऑफ द सर्कल इज एक्स वाई विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 6, -6, 3, -7, and 3, 3. ओ ए इज इक्वल टू ओ बी. अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला इन ओ ए. एक्स माइनस सिक्स होल स्क्वेयर वाई प्लस सिक्स होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री होल स्क्वेयर वाई प्लस सेवन होल स्क्वेयर. इज इट ओके? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी. हाउ यू विल रिमूव दिस स्क्वेयर रूट? Squaring both sides. X minus 6 whole square, y plus 6 whole square is equal to x minus 3 whole square plus y plus 7 whole square. This is your equation number 1. We can solve this by opening the square, but we will not. We will leave it here. ठीक है? Actually, जब आप second part solve करोगे, आपको वहां से देखो इधर. एक मिनट यहाँ चेक करो. आपके पास ये पॉइंट दे रखा है 6, -6, ये दे रखा है 3, -7, ये दे रखा है 3, 3. आपने पहले इसका डिस्टेंस ले लिया. अब आपने नेक्स्ट डिस्टेंस फाइंड करना है ओबी के साथ ओसी का. एंड इन केस ऑफ ओबी एंड ओसी यू कैन सी दैट दिस 3 and 3 इज सेम. तो अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हो तो x-3 x-3 विल कैंसिल आउट. ठीक है? तो आपने हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में ये चेक करना है कि कौन सा इजिली कैंसिल हो रहा है. बात समझ आई? तो अब यहाँ पे ओबी इज इक्वल टू ओसी लेंगे. हम चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं लेकिन कोई बेनिफिट नहीं होगा. वी विल गेट द इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड वेन एवर टू मिसिंग वेरिएबल्स आर देयर देन यू हैव टू फॉर्म 3, 2 इक्वेशन. इन केस ऑफ 2 इक्वेशन वी विल फॉर्म 1 इक्वेशन फ्रॉम दिस एंड सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम दैट रिलेशन. बट ये सॉल्व नहीं हो सकती. इसको यहीं छोड़ दो. इससे टाइम वेस्ट होगा. इसको यहीं छोड़ दो. सेकेंड कॉन्टिन्यू कर रहे हैं. ओ बी इज इक्वल टू ओ सी. ओ बी इज इक्वल टू ओ सी का मतलब है अंडर रूट एक्स माइनस थ्री होल स्क्वेयर वाई प्लस सेवन होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस थ्री होल स्क्वेयर. ठीक है? स्क्वेयरिंग बोथ साइड. After squaring both side, root will be removed. x-3 whole square, y+7 whole square, x-3 whole square, y-3 whole square. This will cancel out. Both are same. So we are left with y+7 square. y+7 square is equal to y-3 square. X we have removed. So from here we will get the value of y. a² + b² प्लस 2ab, a² + b² - 2ab. दिस विल कैंसिल आउट. 14y+6y इज इक्वल टू 9 - 49. कलेक्ट द लाइक टर्म्स ऑन द वन साइड. वी विल गेट y इज इक्वल टू -2. y कितना आ गया? -2. y आ गया. नाउ वी विल यूज दिस वैल्यू ऑफ y एज -2 इन दिस इक्वेशन टू गेट x. अगर आप सॉल्व करते बहुत टाइम वेस्ट हो जाता. अब वो वैल्यू आ गई ना. हमेशा ऐसे होगा. ज्यादातर केसेस में ऐसे ही होगा. जो चीज सेम होगी दैट विल बी कैंसिल आउट. आप ओ ए के साथ ओ सी भी ले सकते थे लेकिन देखो उसका कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रही. लेकिन ओ बी के साथ ओ सी लेने से एक एक टर्म कैंसिल होगी तो आपका क्वेश्चन रिड्यूस हो गया इजी फॉर्म में. वाई आ गया. y की वैल्यू -2 इसमें पुट कर दो. पुट y इन 1. यहां पुट करोगे y की वैल्यू -2 क्या आएगा? ये सेम. यहां -2 पुट करोगे 4 आएगा. यहां सेम y की वैल्यू -2 पुट करोगे 5 आएगा. ठीक है? नाउ सॉल्व दिस. x² + 36 - 12x
स्क्वायर कैंसिल, 52 माइनस 34 माइनस 6x प्लस 12x, 6x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 3। एक्स थ्री आ गया, सेंटर क्या आ गया, सेंटर ऑफ द सर्कल 3, -2, x 3 y -2, राइट डाउन सेंटर ऑफ द सर्कल इज 3, -2। टू ऑपोजिट वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर आर गिवन, हैव यू नोटिस दिस कि दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम है, इसका मतलब इन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम आएगा, ठीक है, ये याद रखना है। एग्जाम में अगर वन मार्क में आ जाए तो आप डायरेक्ट आंसर भी चेक कर सकते हो वन मार्क के लिए, ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट सेम है तो इनका एक्स कोऑर्डिनेट सेम आएगा, डबल आंसर आएगा, एक्स जो है सेम आएगा यहाँ पर, एक्स सेम पुट करके वाई की डबल वैल्यू आएगी, वाई डिफरेंट होगा लेकिन एक्स सेम होगा। अब देखो यहाँ पर, एज वी नो दैट ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, सो वी विल यूज डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी एंड बी सी। The length of AB and BC will be same because all the sides of square are equal. Write down all sides of square are equal. This implies AB is equal to BC. AB की length क्या होगी? X plus 1 whole square, Y minus 2 whole square, X minus 3 whole square plus y minus 2 whole square. Squaring both side. Squaring both sides. X plus 1 whole square, y minus 2 whole square, x minus 3 whole square, y minus 2 whole square. ठीक है? इसको यहीं छोड़ दो, सॉल्व कर सकते हैं बट नहीं अभी रुक जाते हैं, क्या कह रहे हो, अच्छा कट रहे हैं, ठीक है, इसी से x आ जाएगा, वाई एलिमिनेट हो गया, x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 8x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 1, x आ गया 1, x आ गया, जब x आ गया तो पुट करके y की डबल वैल्यू आ जाएगी। अब y कहां से आएगा, डबल वेरिएबल मिसिंग है ना, तो दो इक्वेशंस फ्रेम होगी, एक तो हो गई, व्हाट अबाउट द सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम वेयर यू विल गेट द सेकंड इक्वेशन, a d इज मिसिंग, वी कैन डू वन थिंग, ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री, सो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, so can we apply Pythagoras theorem in case of right angle triangle, can we write down each angle of square is 90 degree, each angle of square is 90 degree, this implies angle B is equal to 90 degree, this implies triangle ABC is a right angled triangle, is it okay? Now, apply Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square. These are already in form of square. So, in case of distance formula, what will happen? Square root will be removed. Square is already there, na? So, jab aap distance formula lagate hai, simple AC, BC hota hai. Yahan pe already square hai. So, iska matlab, तो आपने स्क्वायर रूट नहीं लगाना, सीधा एसी की वैल्यू लिखनी है, 3 -(-1) 4 आएगा, 2 - 0 = 2, ए बी यही आएगा सेम, बीसी भी यही आएगा, दोनों को प्लस कर दो, यहाँ लिख दो, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर वाई माइनस 2 होल स्क्वायर, आप देखना चाहो तो दोबारा भी अप्लाई कर सकते हो, पर वाई टू वेस्ट टाइम, ए बी बी सी दिए हुए दोनों का सम कर दो, ठीक है, स्क्वायर रूट रिमूव हो गए क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर के फॉर्म में है। Now we have value of x as 1. Put the value of x as 1. 1 plus 1 is
टू स्क्वेयर इज फोर, फोर स्क्वेयर इज 16, वाई इज सेम, कैन यू सी दिस, बोथ द टर्म्स आर सेम, सो इट विल बी ट्वाइस, सेम है, ट्वाइस हो गया, ठीक है. वाई नाउ पुट एक्स एज वन, वन माइनस थ्री इज माइनस टू, माइनस टू स्क्वेयर इज फोर, फोर प्लस फोर इज एट, सिक्सटीन माइनस एट, ये क्या आ जाएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डू वी नीड टू सॉल्व दिस स्क्वेयर, इज इट कंपल्सरी टू सॉल्व दिस, व्हेन यू डिवाइड दिस इट विल बिकम फोर, कैन वी सॉल्व दिस विदाउट ओपनिंग द ब्रैकेट, यस, व्हेन यू रिमूव स्क्वेयर इट विल बिकम स्क्वेयर रूट, एंड फ्रॉम द स्क्वेयर रूट यू विल हैव प्लस माइनस टू. Now we have two values of y. One will be find out by using taking positive 2, then another will be minus 2. Solve this. 2 is equal to y minus 2, y is equal to 4. Another one is minus 2 is equal to y minus 2, y is equal to 0. Have you seen this thing? Aapka x jo tha wo 1 tha, y ki 2 value aa gayi, ek to 0, ek aa gayi 4. So in this x coordinate is same but y is different. So we have got, we were finding the third coordinate but we have got both remaining coordinates at a time. ठीक है, x is same, so by putting the value of x as 1 we have got double value for y. So these are the two coordinates, missing coordinate 1 0 and 1 4. Write down two remaining coordinates of, two remaining vertex of, vertices लिख लो, vertices of square are 1 0 and 1 4, 1 0 and 1 4. Next question, dekho. Next question is you have to do this on the book. Look here. In case of fifth question, you have given this as x coordinate, this is your y coordinate. Idhar suno, apni book mein mat dekho, pehle yahan dekho. A origin lena hai, two parts hain. Taking A as origin, you have to find the vertices of the triangle PQR. अगर ए ओरिजिन लेते हो तो दिस विल बी योर एक्स एक्सिस, दिस विल बी योर वाई एक्सिस, तो इस पे कोऑर्डिनेट काउंट करो 1 2 3. क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 3, इसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया 1 2, तो 3, 2. क्यू का कोऑर्डिनेट हो गया 3, 2. इसी तरह से पी काउंट करो 1 2 3 4, एक्स 4 वाई 6, तो पी आ जाएगा 4, 6. आर चेक करो, R is at the 6th number, so for x it will be 6 and for y it will be 5, so 6, 5. Clear hai? Now the second question is taking c as origin, you will reverse the book, you will take c as the origin, this will be your x axis and this will be your y axis, got it? So if you take c as x axis, count the numbers from this side, you will get the coordinate of P as 12, x 12 and y is 2. So the coordinate of P will be 12, 2 if you take C as origin. Now in the same manner, see the coordinate of Q. Hurry up, check this. Q ke liye count karo C as origin. Book ko reverse kar lo. हाँ जी, C को ओरिजिन लेके Q के कोऑर्डिनेट, Q काउंट करो कौन से नंबर पे आ रहा है, 13, 6. R देखो, R is at the 10 नंबर, X कोऑर्डिनेट is 10 and Y is 3, 10, 3. बस यही करना, that's it.
यू हैव टू सी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल बाय टेकिंग फर्स्ट ए एज द ओरिजिन देन टेकिंग सी एज द ओरिजिन. अर्लियर दिस क्वेश्चन वॉज देयर दैट यू हैव टू कंपेयर द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स व्हाटसोएवर कोऑर्डिनेट्स वी हैव जस्ट स्पोकन ना. You have to find the area and you will notice that the area of both the triangle will be same. But area is related, so we are just finding the coordinate. Okay. Now next question is draw the figure. Draw the figure of sixth question. Read it out once and tell me that we have done the similar type of question in the previous exercise. Can you tell me which question was that? हाँ जी, हैव यू ड्रॉन द फिगर? विच टाइप ऑफ फिगर यू आर गेटिंग? प्रॉब्लम है कोई? लग तो रहा है. ट्रायंगल एबीसी इज दी. हाँ जी, ये क्वेश्चन याद है आपको? एपी इज 3/7 टाइम्स एबी. किया था थर्ड एक्सरसाइज में कि एपी जो है वो पूरी लाइन एबी का थर्ड पार्ट है, तो रिमेनिंग पार्ट कितना था? 4. तो रेशियो आ गई थी 3:4. अगला क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल सेम है. देखो इधर, अ ट्रायंगल इज गिवन, इट्स नेम इज एबीसी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एबीसी आर गिवन. Speak up the coordinate. A is 5. These are the vertices of the triangle. Now one line is there. The name of the line is, this line AB is divided by the point B and this line is divided by the point E. Okay, there is one line DE which is dividing AB and AC. Now one thing is given that AD upon AB is AE upon AC, that is 1/4. This thing is given in the question. कि AD जो है इस पूरी लाइन का 1/4 है. मतलब AD जो है पूरी लाइन AB के साथ जो रिलेशन बना रहा है, that is a 1/4. अगर AD 1 है और AB पूरा 4 है, this will be 3. Then the ratio is 1:3. Now, one way is there to find this ratio, and the method is known as, I think, similar triangle में है ये. तो वो मैं आपको result बता देती हूँ कैसे find करना है. अभी आपने chapter नहीं किया, जब आप वहां करोगे तो clear हो जाए. This ratio is given AD upon AB as 1/4. Now, subtract these two from 1. अगर आपने इसको subtract करना है 1 से, तो ऐसे हो जाएगा. ठीक है, वी आर सब्ट्रैक्टिंग दिस गिवन कंडीशन फ्रॉम 1 ऑन बोथ द साइड. 1 में से उसे माइनस करेंगे. हाउ यू विल सॉल्व दिस? फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं? बाय टेकिंग एलसीएम. इट विल बी एबी माइनस एडी अपॉन, एंड दिस विल बी 4 - 1/4, दैट इज 3/4. नाउ एबी माइनस एडी इज, एबी माइनस एडी इज, एबी माइनस एडी कर दिया, क्या आएगा? क्या आएगा? एबी में से एडी को माइनस करोगे, क्या आएगा? बीडी. क्या आएगा? बीडी. 3/4 तो लिख ही चुके हैं. नाउ वी आर गेटिंग बीडी एस 3, दैट वी हैव ऑलरेडी रिटन. ये वर्बली फाइंड किया था, वो मैथमेटिकल वे में फाइंड किया. पेपर में वैसे करना है. ठीक है, अब तो चलो एमसीक्यूज है, पर वैसे पता होना चाहिए. अभी ट्रायंगल करेंगे ना आगे, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस करेंगे वहां. ठीक है, एनी डाउट? तो क्या हुआ? पूरी लाइन एबी है, एबी में से एडी रिमूव कर दो, क्या बचेगा? बीडी. वही लिखा, बीडी की रेशियो, बीडी अपॉन एबी की रेशियो आ गई. ठीक है, अब आपके पास रेशियो आ गई. रेशियो गिवन है. जब रेशियो गिवन होती है, D पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, विच फॉर्मूला यू विल यूज? फर्स्ट सेक्शन फॉर्मूला, दैट इज m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2. अनदर विल बी सेम फॉर y. ठीक है, क्लियर है? m1 m2 गिवन है,
एक्स वन वाई वन गिवन है, एक्स टू वाई टू गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी, स्टार्ट दिस। हाँ जी बिल्कुल, एक बार डी पे लगेगा एक बार ई पे लगेगा, दोनों के कोऑर्डिनेट फाइंड करने। यस, अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला ऑन डी एंड देन ऑन ई। कैन यू टेल मी बोथ विल बी सेम? विल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ डी एंड ई विल बी सेम? नो, बिकॉज रेशियो इज सेम बट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी एंड ए सी आर डिफरेंट। तो दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे दैट विल बी डिफरेंट। Now coordinates of D will be given by dxy is equal to m1 x2 m2 x1 upon 4, 1 into 5 5, 3 into 6 18 upon 4, 13 upon 4 and 23 upon 4. Now coordinates of E will be, section formula likhna zarur aap, ठीक है। नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई, दैट रेशियो इज अगेन सेम, 1 इनटू 7 7, 3 इनटू 4 12 अपॉन 4, 1 इनटू 2 2, 3 6 18 अपॉन 4। How much time is left? Done. Question number 7. Draw the figure. Same है, इस तरह की line की बजाय यहाँ पे आएगा median. करो start. Same है बिल्कुल. Median. What is the property of median? It divide the opposite side into two equal part. इसका मतलब AD में जो है, D जो है, वो BC का क्या बन जाएगा? Midpoint. AD is the median and D is meeting the base BC at the point D. So D will be the midpoint of BC. ठीक है? Same frame में triangle form करना है आपने ABC. This AD is the median. ABC के vertex given है, D is the midpoint. How you will find the coordinates of D? By using which formula? ये D इसका midpoint है, तो कहाँ से आएंगे इसके coordinate? ये given है, midpoint formula. X1 plus X2 by 2, Y1 plus Y2 by 2. Write the coordinates of each and get the coordinate of D point. कल ये chapter finish हो जाएगा, ठीक है? Then we will start with area related to circle. Then probability is there. Then triangle chapter is there.
फाइंड वैल्यू ऑफ डी दैट इज 7.2, 7/2, 9/2. कोऑर्डिनेट ऑफ डी वी आर गेटिंग एज 7/2, 9/2. नाउ हियर वी हैव वन पॉइंट पी विच इज डिवाइडिंग दिस मीडियन इन द रेशियो 2:1. 2:1 मीन्स इट इज डिवाइडिंग, पी पॉइंट इज डिवाइडिंग द मीडियन इन द रेशियो 2:1. कैन यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पी बाय विच फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला. रेशियो इज गिवन, ए कोऑर्डिनेट इज गिवन, डी यू हैव ऑलरेडी गॉट एज 7/2 एंड 9/2. देन यू विल यूज सेक्शन फॉर्मूला टू गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी. करो स्टार्ट.